हेलो फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस टुडे अबाउट एंकर इन्वेस्टर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ द आईपीओ राइट लेट्स हैव अ कम्प्लीट डिस्कशन ऑन दिस की एक्जैक्टली ये कौन होते हैं क्या कहते हैं क्या रोल रहता है इनका आई में एंड हाउ दे मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो आई के सक्सेस में भी और ओवरऑल हमारा आई पी में भी कितना है राइट एंकर इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न रहता है और जिस टाइप का इन्वेस्टमेंट रहता है वो भी एक काफी अच्छा आई वुड से एक पैरामीटर है इन आवर आईपीओ एनालिसिस राइट तो ये होते कौन है और एग्जैक्टली exactly क्या रोल रहता है एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट एज अ आई एनालिसिस फैक्टर ठीक है सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ थिंग्स दुडे तो पहले हु आर एंकर इन्वेस्टर्स ठीक है तो दे आर ऑल्सो नोन एज कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर्स इन मेनी ऑफ द मार्केट्स ठीक है तो ये क्या है ना तो इनको आईपीओ से पहले शेयर्स अलॉट होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है दे आर मतलब जब आई की जो डेट है ठीक है जैसे आ, की था तो 8th को started, right? तो 7th, 7th तो को इट स्टार्टेड राइट तो 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 छुट्टी नहीं हुआ होगा तो सिक्स आई थिंक को हुआ था उनका तो फिफ्थ को मतलब वन वर्किंग डे पहले उनको अलॉटमेंट होता है तो उस दिन पता चलते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स को किस किस को कितना कितना किसने कितना कितना इन्वेस्टमेंट

जो है एंकर इन्वेस्टर्स अगर बहुत सारे आए हैं तो किसको वो अपने शेयर्स अलॉट करें ठीक है तो ये क्यों किया जाता है दिस इज टू डेमोन्स्ट्रेट हेल्दी डिमांड फॉर द शेयर ऑफ सून टू बी लिस्टेड कंपनीज ठीक है तो अब कोई नए से मैं अगेन पेटीएम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो पेटीएम का जैसे अगर आईपीओ जैसे एट्थ को आया तो अब वो एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं और कितने सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उसमें लिया तो एक तरह से एक एडवर्टाइजमेंट हो जाती है आईपीओ की भी राइट और कंपनीज मतलब कंपनी की कि भाई देखो हम इतनी सारे इंस्टीट्यूशनस जो हैं वो हमारे हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं दे आर इन्वेस्टिंग विद अस दे आर टेकिंग एलोकेशन इन आवर कंपनी ठीक है सो so, एक एक्साइटमेंट भी क्रिएट हो जाती है ठीक है और ऑब्वियसली दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो इशू है वो भी एक सर्टन लेवल तक सब्सक्राइब हो जाता है इवन बिफोर स्टार्टिंग

आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का एक वेल्थ फंड है दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ एन आवर आई पी ओ का आप देखते ही होंगे काफी सारे जी आई सी करके एक होता है दे आर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड ऑबियसली पेंशन फंड फिर इवन मतलब आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफ पी आई राइट सो ऑल रजिस्टर्ड विदी दीज एंटिटीज आर कॉल्ड क्यू आई बीज एंड दे कैन इन्वेस्ट दे कैन बी एज एंकर इन्वेस्टर ऑल ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्यू आई बी जो एलोकेशन होता है आईपीओ में वो पूरा का पूरा एंकर ले सकते है? नहीं ऐसा नहीं है उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। तो कितना शेयर मिलता है एंकर को ठीक है तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट तो जैसे हम आपको पता ही है कि अगर एक कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है अगर किसको नहीं पता है तो ठीक है तो जिसका आईपीओ आ रहा है तो उनको फिफ्टी परसेंट ठीक है और हाँ, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक है ठीक है तो अभी जोमेटो का प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक नहीं है पेटीएम का कोई मतलब दे आर ऑल लॉस मेकिंग कंपनीज तो उनका तो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक नहीं है ठीक है लेकिन जो कंपनी जिनका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक था राइट right? जैसे सपोज आदित्य बिरला ए अभी लिस्ट हुई थी रिसेंटली ठीक है तो उसका ऑब्वियसली देर वॉज ए प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक दे वर कंसिस्टेंटली थ्री इयर्स तक उनका कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाना पड़ता है उनको एबी को तो एक और भी बहुत सारे रूल्स हैं से के तो उसमें अगर वो फिट होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं ठीक है विद इन आई थिंक थ्री ईयर्स का है वो तो फिफ्टी परसेंट रिजर्व जो होता है मतलब जो पूरे आईपीओ का साइज होता है वो फिफ्टी परसेंट जो है क्यू आई को रिजर्व किया जाता है थर्टी फाइव परसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को किया जाता है पीपल लाइक अस फिफ्टीन परसेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को किया जाता है अच्छा ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं जो टू लाख ,00 से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में दे कैन बी रिटेल इन्वेस्टर लाइक अस बट दे आर इन्वेस्टिंग मोर देन देख मतलब जब वो अप्लाई कर रहे हैं आईपीओ के लिए तो दो लाख ,00 से ज्यादा पैसा के साथ वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो है वो एनआईआई माने जाते हैं मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माने जाते हैं ठीक है थर्टी फाइव परसेंट रिटेल मीस जिन्होंने एक लॉट तो मिनिमम लेना है मतलब बारह पंद्रह हजार रुपए का एक लॉट होता है तो वो एक लॉट का थर्टी फाइव परसेंट जो है वो उसके लिए रिजर्व रहता है और ये इसका सिस्टम है अब नो प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड जैसे अभी मैं बात कर रहा करूँ पेटीएम और जोमैटो की तो उनका तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड लॉस मेकिंग कंपनीज है इवन नाइका उसका उसका भी रिकॉर्ड कुछ नहीं है वो तो लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया था उन्होंने बट इट इज ऑल्सो ए लॉस मेकिंग कंपनी अल्टीमेटली इट वॉज अ लॉस मेकिंग कंपनी बिफोर ठीक है तो उसमें ये चेंज हो जाता है ये सेबी का रूल डिफरेंट हो जाता है उसमें सेबी कहती है कि भाई फिफ्टी परसेंट नहीं सेवेंटी फाइव परसेंट जो आईपीओ है वो क्यू को देना पड़ेगा क्यू अगेन जैसे मैंने बताया इंस्टीट्यूशन uh, बायर्स है राइट right? जो हमने पहले डिस्कस किया और सिर्फ टेन परसेंट मतलब जो ये पूरा का पूरा पच्चीस परसेंट है ये यह यहाँ क्यूआई पे शिफ्ट हो गया सिर्फ रिटेल को ऐसी कंपनी जिनका प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है या जो स्टार्टअप हैं या जिनका ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ मतलब मार्केट में आए हुए तो वो सिर्फ टेन परसेंट ही अपने आईपीओ का टोटल रिटेल्स को दे सकते हैं रिटेल उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं रिटेल को बचाने के लिए बिकॉज अगर प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है तो सेज इट इज टू टू रिस्की फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस इन्वेस्ट इन द आईपीओ ठीक है तो इसीलिए वहां से पैसा ज्यादा मत उठाओ इंस्टीट्यूशनल बायर से उठाओ बिकॉज दे हैव दे कैन डू बेटर ड्यू दे हैव मोर रिसोर्सेज दे कैन टॉक टू द मैनेजमेंट डायरेक्टली सो दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ठीक है तो इसीलिए इनको यहाँ सेवेंटी फाइव परसेंट का वो मिलता है और फिफ्टीन परसेंट यहाँ पर वो सेम है अब जो ये टोटल इंस्टिट्यूशनल बायर्स जो क्यूआईबीज है ना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है इसका मैक्सिमम 60% जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एक कंपनी दे सकती है ठीक है तो अब 50% का 60% ठीक है तो बेसिकली 30% सिमिलरली 75% का 60% विल बी बेसिकली अलॉटेड कैन बी अलॉटेड टू एंकर इन्वेस्टर्स इट कैन बी इट कैन बी लेस और इट इट हैज बी मैक्सिमम 60% तो वो कंपनी के ऊपर है ऑफ मोस्टली कंपनीज तो जो अच्छी कंपनी जो अच्छे आईपीओज आते हैं वो obviously, वो ऑब्वियसली को पूरा अपना यूज करते हैं क्योंकि जिनको अब जिनको इंडियन इंस्टीट्यूशन बायर्स को इन्वेस्ट करना है वो तो चाहेंगे ना कि भाई हम पहले से ही डिस्कशन कर लें और पहले से ही अलॉटमेंट ले लें क्यों हम ओवर सब्सक्रिप्शन के चक्कर में जाएं और फिर बाद में पता नहीं मिले या नहीं मिले अलॉटमेंट ठीक है ना वो फिर बाद में बीडिंग वगैरह होगी आईपीओ के टाइम पे तो तो एवरीवन हु आर बिग एंड दो हैव रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग दे विल वॉन्ट टू बाई इट पहले

कि ऐसा कुछ रूल है कि दे हैव टू शेयर शेयर इट बट आई थिंक मोस्टली अब इस 60 जो है ना ये मैक्सिमम जो क्यू ये एंकर इन्वेस्टर एंकर इन्वेस्टमेंट को जो दे रहे हो उसमें से वन थर्ड जो है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए तो ऐसा नहीं है कि आपने सारे सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे दिया सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे दिया तो आपको एज अ एंकर इन्वेस्टर्स जो आप दे रहे हो आईपीओ में उसमें से वन थर्ड तो कम से कम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कंपनीज को जो है वो रिजर्व करना ही है ठीक है तो जितना भी आप एंकर इन्वेस्टर को दे रहे हो उसमें से वन थर्ड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है ये तो ये सारे रूल्स हैं फॉर एंकर इन्वेस्टर बिकॉज ऑब्वियसली दे आर गेटिंग एडवांटेज राइट एक दिन पहले आईपीओ मिल रहा है उनको तो उनको एडवांटेज तो मिल ही रहा है ना तो, तो अब हम जैसे अप्लाई करते हैं जो अभी थ्री हंड्रेड टाइम टू हंड्रेड टाइम आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें तो मिलता ही नहीं है ना अगर हमें पता भी है कि यार अच्छा जीएमपी चल रहा है सब चीज़ अच्छी चल रही है मतलब मोस्टली अच्छे लिस्ट होगा बट वी डोंट मोस्टली डोंट गेट ठीक है तो इनको वो बेनिफिट है कि दे कैन डू दैट ये इनको पहले से ही ब्लॉक कर सकते हैं तो ये एंकर इन्वेस्टर्स अब एग्जाम्पल दे देता हूं देखो आप जोमेटो को नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड से था और उसमें से फोर वन नाइन सेवन जो है जोमेटो ने एंकर इन्वेस्टर्स को पहले ही दे दिया था सिमिलरली एस बी आई कार्ड ने टेन थाउजेंड के इशू में टू सेवन सिक्स नाइन किया पॉलिसी बाजार ने फाइव ऑब्वियसली देखो ये स्टार्टअप्स हैं जो ये सब लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं

उज थ्री 18,300 करोड़ का आईपीओ था उसमें एट टू थ्री फाइव ऑलरेडी पहले एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट हो गया था ठीक है अब जोमेटो का एग्जाम्पल यहां पर है कि वन एट्टी सिक्स क्या कहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर मिला जोमैटो के हायर प्राइस पे सेवेंटी सिक्स रुपीज पे ठीक है एंड उन्होंने ये सब एग्जांपल्स मतलब बताए कि हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है उसको दिया है कुछ और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर दिया है इन सबको ये सारी कंपनीज के इन्होंने नाम दिए कि ये सारे हमारे एंकर इन्वेस्टर्स हैं फिर उन्होंने नाइनटीन म्यूचुअल फंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड जैसे थर्टी परसेंट उनके लिए ही है और उसमें सेवेंटी फोर स्कीम्स में नाइनटीन म्यूचुअल फंडी फोर स्कीम्स में अलग अलग सेवेंटी फोर स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया तो एस म्यूचुअल फंड एक्सिस आदित्य बिरला कोटक तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स ने एज एंकर इन्वेस्टर के इसमें से पहले ही एलोकेशन ले लिया ये सारे हमारे एंकर इन्वेस्टर्स हैं ठीक है और किसको कितना कितना शेयर मिला तो वो सारा तो फोर वन नाइन सेवन जो करोड़ रुपीज का है वो सारा 186 को दिया. ठीक है एलोकेशन ठीक है तो ये है एंकर इन्वेस्टर का सिस्टम ठीक है अब जैसे एंकर इन्वेस्टर को हो गया उसके बाद बाकी आईपीओ फिर स्टार्ट होता है ठीक है अब दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो लास्ट खत्म होने से पहले कि अब क्या आई, कम, है क्या है क्या नहीं है तो आईपीओ लेड टू मेक अलॉटमेंट ऑफ एटलीस्ट फाइव और एट मोस्ट फिफ्टीन एंकर इन्वेस्टर अगर ढाई करोड़ से कम का आईपीओ है तो कम से कम पांच एंकर इन्वेस्टर्स को तो ढूंढने ही पड़ेंगे या मैक्सिमम पंद्रह एंकर इन्वेस्टर्स उनको ढूंढने हैं ठीक है और अगर टू से ऊपर का आईपीओ है तो 10 मतलब 25 हो गया ये फिर 15 टू 25 के बीच में मतलब सॉरी 25 वो बढ़ता रहता है फिर 10 10 10 इन्वेस्टर्स 25 टू टू करोड़ पे तो 10 10 इन्वेस्टर्स जो है वो ऐड कर सकते हो कम से कम पांच करोड़ रुपए का तो एलोकेशन आपको एक इन्वेस्टर को देना ही है अगर वो एंकर इन्वेस्टर है ऐसा नहीं है कि उसको पांच लाख के शेयर दे दिए ठीक है तो कम से कम एक अगर एंकर इन्वेस्टर आपने उसको लिया है तो उसको मिनिमम फाइव करोड़ रुपीज का तो बाय करना ही पड़ेगा आईपीओ ठीक है मतलब फाइव करोड़ रुपीज के शेयर तो बाय करने ही पड़ेंगे तभी वो भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और एंकर इन्वेस्टर बनेगा तो उसको वो एडवांटेज है तो उसको इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें करनी पड़ेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंकर इन्वेस्टर जो है अब उनको एक दिन पहले मिल रहा है तो उनको वो एडवांटेज मिल रहा है तो उस एडवांटेज का एक चीज है कि उनका लॉक इन पीरियड होता है थर्टी डेज का तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर अरे भाई बहुत अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है सब कुछ इंटरेस्टिंग है तो मैं मतलब एज म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ मैं सपोज म्यूचुअल फंड कंपनी है मेरी तो मैं एंकर इन्वेस्टर बन के और इन्वेस्ट कर दिया और जैसे ही आईपीओ लिस्ट हुआ अच्छे उस पर प्रीमियम पे तो बेच दिया नहीं तो थर्टी डेज का लॉक इन होता है इनका तो जिस दिन आई लाइव होता है उसके बाद थर्टी डेज तक दे हैव टू कीप दैट इन्वेस्टमेंट विद देम एंड आफ्टर थर्टी डेज दे कैन सेल दैट इन्वेस्टमेंट ठीक है तो वो वो रिस्क लेते हैं कि 30 डेज में बाई चांस मार्केट गिर गया है कुछ प्रॉब्लम आ गया है कुछ भी हुआ और जो है मार्केट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था एज एन एंकर इन्वेस्टर इन द कंपनी अगर वो नीचे चला गया तो उनको इशू आता है मे बी सम ऑफ द एंकर समर्स डू इन्वेस्ट एज इन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कि भाई हम तो नहीं बेचेंगे हम लॉन्ग टर्म के them, के हिसाब से बट सम ऑफ डेज बाद काफी एंकर इन्वेस्टर्स निकल भी जाते हैं तो अगर आप देखोगे तो ये काफी बार कुछ कुछ स्टार्टअप्स के जैसे जोमैटो का भी शायद हुआ था कि थर्टी डेज के बाद स्टॉक गिरा था ठीक है तो उस दिन काफी सारे एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया था अपना ठीक है तो अच्छा खासा प्रीमियम मिला अच्छा खासा पे अच्छा लिस्ट हुआ सिक्स रुपीज का था मेरे ख्याल से वन ट्वेंटी पे हुआ था लिस्ट राइट जोमैटो तो फिर उन्होंने वो उस दिन डेज जैसे उनका लॉक इन कंप्लीट हुआ तो दे आउट सम मनी ठीक है तो द डिमांड ऑफ एंकर कैटेगरी गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ हाउ सक्सेसफुल आईपीओ इज लाइकली टू बी राइट तो एंकर राइटर इतना बड़ा अलॉटमेंट रहा है कितने सारे लोग आ रहे हैं उसमें ठीक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या इंटरेस्ट है उसमें ठीक है तो वो सारी चीजें जो है वो आपको ऑब्वियसली क्या कहते हैं एक अच्छा खासा हमें एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि किस टाइप की जो है आईपीओ आ रहा है क्या मतलब कैसा है वो आईपीओ ठीक है तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी हम मानते हैं जब हम आईपीओ का एनालिसिस करते हैं ना ठीक है तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज लुक एट की हु आर दर इन्वेस्टर्स ठीक है और उन्होंने क्या क्या कहाँ कहा, कहा पे मतलब कैसे क्या क्वालिटी के एंकर इन्वेस्टर्स हैं कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कौन से म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया है कितना इन्वेस्ट किया है ठीक है तो वो सारी चीजें थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है यार कैसा इंटरेस्ट है ठीक है व्हाट आर दीज इंस्टीट्यूशन बायर्स आल्सो थिंकिंग अबाउट द आईपीओ क्योंकि थर्टी डेज का लॉक इन तो ले ही रहे हैं ना ठीक है तो वो थोड़ा सा एज अ रिटेल इन्वेस्टर अपने को एक कंफर्ट आता है कि नहीं यार ठीक है मतलब काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इट्स नॉट जस्ट मी कि मैं जीएमपी पे देख के नहीं ले रहा हूँ सिर्फ राइट तो एक डिसेंट वैल्यू दिख रही है कुछ कुछ तो वैल्यू दिख रही है इनको भी सो दैट्स वाई दे आर बाइंग इट ठीक है सो दैट्स हाउ दिस होल एंकर इन्वेस्टमेंट होती है आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल ठीक है और इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू जस्ट लेट मी नो हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों जय हिंद